जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में आपने चार लोगों को देखिए, बेगुनाह। एक खाकी वर्दी वाला आता है कांस्टेबल, कुछ न सवाल न जवाब, डायरेक्ट गोली मारता है पहले अपने ऑफिसर को, फिर तीन दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान को। आइए अब हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने की कोशिश किया जाए। ये दुनिया इस्लाम को मिटाने पर तुली है। एक मतला आजाद के हवाले से हाजिर करता हूँ जनाबे मौलाना नियमतुल्ला साहब, नियमत बन करके इस मुशायरे की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये नियमत लेने वालों की नजर ये मतला मैं कर दूं। मुंबई से जयपुर, जयपुर से मुंबई ट्रेन में जो हादसा हुआ, और आपके इलाके के इमाम साहब का क्या कसूर था? आप ही के इलाके के इमाम साहब जिनको शहीद कर दिए, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। उन शहीदों के तरफ से एक मतलब पूरे हिंदुस्तान को नजर करता हूँ, दिल से पढ़ता है दिल खैराबादी। आप दिल से दुआएं दीजिए और ये दिल्ली तक मतलब पहुँचा दीजिएगा। मेरी आवाज में आवाज मिलाइए, मैं मतलब हाजिर करता हूँ। अगर आप कमजोर पड़े तो मैं समझूंगा कि मैं मतलब सुनाने में नाकाम हूँ, अगर मेरा साथ दिए तो इंशाअल्लाह ये दिल से दिल्ली तक सफर बहुत आसान सा हो जाएगा। मतलब पेश करता हूँ लहजा फरमाने कि फिर बाहर आ जाएगी, फिर बाहर आ जाएगी। या सुन लो, शकरपुर भरवारा के हो, चाहे ब्रह्मपुर के हो, चाहे बाला सास के हो, मेरा साथ दीजिएगा, मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। फिर बाहर आ जाएगी, हाँ फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। तैयार रहना कि फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगी। मुसलमान खामोश है, इसलिए मुसलमानों पर हमला हो रहा है। थोड़ा बेदारी पेश करें नौजवानों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर जमीन ब्रह्मपुर, जनाब दिल खैराबादी, जनाब कारी मुजम्मिल हयात, नारे तकबीर। वाह दीवानों, बहुत उम्दा, क्या कहने भाई दिल साहब, वाह क्या तर्जुमानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद इमरान साहब जो बस्ती गोंडा हमारे यूपी से आए हैं, इन्होंने कान में कुछ और कहा है कि दिल भाई आप एक बार पढ़िए तो मैं 2000 की नोट भी दे सकता हूँ। मुझको 2000 की नोट से मतलब नहीं है, खुदाई पाक की कसम 2 करोड़ अगर मिल जाए और अगर इस पे अमल न किया जाए तो ये जाया हो सकता है। आप ये 10-20 की नोट जो दे रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। जिस वक्त हमारी कौम जिस तरीके से शायरों को बुला करके आप निछावर कर रहे हैं नोट, अपने इमाम की थोड़ी सी फिक्र कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह, कब ये करेगी कौम? बहुत अच्छा पैगाम है। अगर ये कौम इमामों की फिक्र करती तो वो इमाम मासूम मारा नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह ताला हमारी कौम को सही समझ अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए। ठीक है, शायरों को जो मुकद्दर का है मेरे मिल के रहेगा, मगर एक इमाम की तनख्वाह अगर कह दे कि 15,000 में उनका पूरा होने वाला है तो फौरन बगैर दाढ़ी टोपी वाला आदमी डांटता है इमाम को, क्या 15,000 रुपया किस चीज का लेंगे यार?
अल्लाह ताला सही समझ बूझ अता फरमाए। आमीन। मुझको इसलिए इनाम दीजिए कि मैं इमाम के पीछे मुक्तदी हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ, फिर मेरी आवाज में आवाज मिलाइएगा, सुनिएगा, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। फिर बाहर आ जाएगी गुलशन हरा हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगी गुलशन हरा हो जाएगा, फिर बात की रोशनी में शेर हाजिर करता हूँ। उलमा फरमाते हैं जब तक इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा तब तक ये दुनिया का निजाम इसे ही चलता रहेगा। पेश करता हूँ लहजा फरमाने, दूसरा हो जाएगा कि जो मिटाते हैं हमें शायद नहीं मालूम उन्हें, तैयार रहिएगा, कि जो मिटाते हैं हमें शायद नहीं मालूम उन्हें, जो मिटाते हैं हमें शायद नहीं मालूम उन्हें, जो हम नहीं होंगे तो ये आलम फना हो जाएगा, हम नहीं होंगे तो ये आलम फना हो जाएगा। इस नज़्म का हाजिर करता हूँ नेमतुल्लाह रहमानी साहब आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा आपकी आवाज कमजोर पड़ रही है, मेरी आवाज में आवाज मिलाइएगा आखिरी शेर में शिरकत आपकी मुलाहिदा फरमाले। जेके मुशायरा मीडिया जावेद कलीम साहब जो मऊना भंजन से आपके बिहार की धरती का ये खूबसूरत सा मंजर पूरी उर्दू दुनिया तक पहुँचा रहे हैं और ये तमाम महकमा मीडिया का मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है कि इसमें सब मीडिया अच्छे हैं, कोई गोदी मीडिया नहीं है। जी एक शेर हाजिर करता हूँ, गोदी मीडिया को पहुंचाइएगा शेर मुलाहिदा फरमाले। हो जाएगा जो मिटाते हैं हमें शायद नहीं मालूम उन्हें, हम नहीं होंगे तो ये आलम फना हो जाएगा। कत्ल यूं ही वो चाहे पहलू खान का कत्ल हो, चाहे इमाम साहब का कत्ल हो, चाहे अजमेर जा रहा था या अजमेर से आ रहा था वो लड़का, बेगुनाह मासूम को क्यों कत्ल किया जा रहा है सुनिएगा। के कत्ल यूं ही बेगुनाहों का अगर होता, तैयार रहना ब्रह्मपुर वालों। के कत्ल यूं ही बेगुनाहों अगर होता रहा, कत्ल यूं ही बेगुनाह अगर होता रहा, के कत्ल यूं ही बेगुनाह पूरा पूरा हिंदुस्तान एक दिन करबला हो जाएगा। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह रहे तकबीर अल्लाह हु अकबर जाएगा। बहुत शुक्रिया शफी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई।
दिल खैराबादी जाएगी हो जाएगा फिर बहारा जाएगी गुलशन हरा हो जाएगा एक को मारों के पैदा दूसरा हो जाएगा। अब मेरी आवाज में आवाज आपने मिलाई है तो एक शेर का इजाफा इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। मुजम्मिल हयात साहब जनाबे फारूक दिलकर साहब और मऊ से आया हुआ खूबसूरत सा शायर साहिल आजाद और अशफाक करीमी और दीगर शोरा इकराम अशरफी भाई शेर सुनिएगा।